नमस्कार, न्यूज प्लस इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 अहम खबरों पर। जेल में अचानक बिगड़ी पार्थो चटर्जी की तबियत, आनन फानन में पहुंचाया गया अस्पताल। सीबीआई रेड पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा एक दो दिन में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। दक्षिण 24 परगना के बासंती में गोली मारकर तृणमूल कांग्रेस के कर्मी की हत्या। एप कैब ने दिखाई सख्ती, अगर ड्यूटी पास ऑन किया तो ड्राइवर का आईडी कार्ड हो सकता है सस्पेंड। अनुब्रत मंडल को नहीं मिली जमानत, फिर से भेजा गया 4 दिन की सीबीआई हिरासत में। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के कारण दम घुटने से 2 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ा गया, भारत ने जताया कड़ा विरोध। कथित घोटालों के आरोप पर सीधा मंत्रिमंडल पर पड़ा असर, ममता बनर्जी के निर्देश के बाद अब सादगी में रहेंगे मंत्री। भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी खेलेंगी विदाई मैच। अभिनेत्री सोनम कपूर के घर गुंजी किलकारी, सोनम कपूर ने दिया बेटे को जन्म। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी न्यूज प्लस की टीम। आप अगर हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।